विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। महज एक सीट पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार का ऐलान करना है। प्रत्याशियों की सूची आने के बाद हमारे संवाददाता हेमंत माली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर जो है कि अब प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका, मात्र एक सीट बची है, क्या कहना चाहती हैं? रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। हमारी नीतियों को देखते हुए, हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए, हमारे वादों को देखते हुए, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और 18 साल से त्रस्त जनता बदलाव करेगी और अपने मताधिकार को चुराने का बदला भी लेगी इस बार शिवराज सरकार से। कई जगह पर जो भारी प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है और कई जगह पर टिकट भी बदले गए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये रॉकेट साइंस थोड़ी है, बदलाव जीवन का नियम है। अगर कहीं पर लगता है कि गलत टिकट दे दिया गया था तो उसको बदल दिया जाता है, समीकरण देखे जाते हैं, अगल बगल की सीटों पर उसका प्रभाव देखा जाता है, सारी पार्टियां ऐसा करती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जो है कि लोगों को जाति में बांटना चाहती है। 10 साल से सत्ता में है और नाक के नीचे आदिवासियों का, दलितों का, शोषित वंचित समाजों का लगातार हक का हनन हुआ है, लगातार ओबीसी की इनकम घटी है। आज अगर 90 सेक्रेटरीज में से मात्र 3 ओबीसी हैं, उसका जवाब दे 10 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में, 1 ओबीसी है और उनकी भी रुखसती होने वाली है। तो जहां पर बात होती है उनके हक की, उनके सम्मान की, वहां पर बगले झांकना मोदी जी का काम है, लेकिन इनको हम मजबूर करेंगे और जातीय जनगणना होकर रहेगी इस देश में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कई सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है, क्या लगता है आपको, क्या कारण क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है? हो सकता है चुनाव लड़ने, मुझे तो ऐसा यहाँ के पोस्टर देख के तो लग रहा है कि हो सकता है मोदी जी भी एक दावेदार हो, सकता है वो भी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ग्राम प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव में सिर्फ मोदी जी दावेदार रहते हैं, लेकिन वो बात खत्म हो चुकी है। हिमाचल की जनता ने उनकी रुखसती करी, कर्नाटक की जनता ने उनको नकारा और अब मध्य प्रदेश उनको नकारेगा, छत्तीसगढ़ नकारेगा, राजस्थान नकारेगा, तेलंगाना नकारेगा और मिजोरम नकारेगा और 2024 में देश की जनता नकारेगी। भोपाल में अयोध्या के राम मंदिर के पोस्टर लगाए गए हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, क्या लगता है आपको, मुद्दों से भटकाना चाहती है क्या बात? मुझे लगता है श्री राम ही इनको पथ पर लाएंगे और श्री राम इनको याद दिलाएंगे कि रामायण की जो पंक्ति है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, जिन लोगों ने लोगों को बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, नग्न घूमती मणिपुर की औरतों के साथ और अडानी महा घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश करी है, वो ना श्री राम को समझते हैं, ना उनके वक्तव्य को समझते हैं और ना रामायण को समझते हैं। अखिलेश यादव ने जो इंडिया गठबंधन है आप लोगों का, उस पर सवालिया निशान खड़े किए, राज्य में नहीं है, केंद्र में है, क्या सवालिया निशान से मीडिया मुझे ज्यादा परेशान लग रही है और थोड़ी सी भाजपा। मुझे ऐसा लगता है कि जब टिकट वितरण होता है तो थोड़ा बहुत खींचतान स्वाभाविक है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इस पर कोई सवालिया निशान नहीं है, आप लोग परेशान मत हो। हर बार इंडिया गठबंधन पे सवाल उठा देना थोड़ी सी आप। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में घबराई हुई है और आने वाले 3 दिसंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। वीडियो जनरलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली, EMS TV, भोपाल।